पाठ 18 समय। इस कविता में कवि ने लोगों को समय पर मन लगाकर काम करने की प्रेरणा दी है। समय निरंतर गतिशील है, इसलिए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर आलस्य का परित्याग कर व्यक्ति को कुछ परमार्थ आत्म सुख के कार्य करके महान बनने का प्रयास करना चाहिए। हर क्षण को सुसमय जानकर जीवन में कुछ कर दिखाने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा है कि अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित कर कार्यरत रहो। अभी समय है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी न होगा, होगा तो बस अभी नहीं तो कभी न होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, घुलते हो यूं हाय स्वयं ही क्यों अपने को। आवेगा क्या समय जो चला जा रहा, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा छला जा रहा। तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग के बीच बड़े हो जाओ अब भी। उद्योगी को कहां नहीं सुसमय मिल पाता, समय नष्ट कर नहीं सौख्य कोई भी पाता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल क्या हो जाने। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो। इसके सदव्यय रूप नीर सिंचन के द्वारा, हो सकता है जन्म तरु यहां तुम्हारा। ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, हो जिसमें परमार्थ और तुम भी सुख पाओ।